हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद इजी विद गुंजन। तो आज मैं बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है यूपी की बहुत ही फेमस मटर का निमोना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर के निमोने की सब्ज़ी। और वैसे लेकिन मार्केट में अभी मटर बहुत कम आ रही है और बहुत अच्छी भी नहीं आ रही है, लेकिन तब भी अगर आपको निमोना खाने का मन हो तो किस तरीके से बना सकती हैं तो वो मैं शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने फ्रोज़न मटर, जिसको मैं जब मटर का सीज़न स्टार्ट होता है, जब मटर मीठी होती है, उसी समय मैं मटर को लेकर के फ्रीज़ करके रख देती हूँ, जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये मैं डाल चुकी हूँ। तो आज मैं फ्रोज़न मटर से ही मटर का निमोना बनाने जा रही हूँ। तो देखा ना, फ्रीज़ करे हुए मटर अगर आपने पहले से रख रखे हों तो कितने काम देते हैं। दो आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरे मिर्चे की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि ये कम कड़वे हैं। इसके अलावा अदरक और लहसुन मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर नमक लिया है और चौथाई चम्मच हल्दी और गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। इसमें धनिया मैंने पहले से पीस के मिलाई हुई है, तो अगर आपने इसमें धनिया नहीं डाली, आपका मार्केट मसाला है, तो आप धनिया अलग से डाल सकती हैं। आलू को मैंने छीलने के बाद धो लिया है, अब इसको काट लेते हैं। और इसकी साइज़ जो रखेंगे वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं रखेंगे, मीडियम साइज़ रखेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। आलू को काटने के बाद फिर दोबारा धो लेंगे क्योंकि काटने से भी स्टार्च निकल आता है। देखिए, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। जब आलू को कढ़ाई में डालें तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें, जिससे छीटी आपके ऊपर ना पड़े। और आलू को डालने के बाद फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। और ये देखिए, बराबर चलाते हुए मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा गैस धीमी करने के बाद मैं यहाँ पर धनिया का मसाला तैयार कर लेती हूँ। धनिया को दो तीन टुकड़ों में काट करके वो डाल देते हैं, हरे मिर्चे को भी दो दो पीस में करके डाल देते हैं और लहसुन अदरक डाल देते हैं। हरा धनिया से मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट, खुशबू, कलर सभी चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। तो चलिए अब आलू को देख लेते हैं। और आलू देखिए भुन चुके हैं, अच्छे से लाल हो चुके हैं, क्रिस्पी हो गए हैं और बिल्कुल पक भी चुके हैं। तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, मेरा हरा धनिया, लहसुन अदरक का मसाला भी पिस चुका है। अब इसी जार में मैं हरे मटर ये डाल देती हूँ। और इस तरीके से भी निमोना बनाएं तो बहुत टेस्टी बनता है। और क्योंकि ये पके हुए मटर होते हैं तो इसको भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर मटर को अच्छे से भूनेंगे नहीं तो मटर का एक कच्चापन रह जाता है। और एक बार चर्न करने के बाद थोड़ा सा मुझे पानी डालने की ज़रूरत लगी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा चर्न कर लिया है। और ये देखिए, मटर मेरे अच्छे से पिस चुके हैं, थोड़े से दरदरे हैं ये। उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा चढ़ा दिया है, गैस कर दिए और ऑयल भी उतना ही रखा है, दोबारा ऑयल ऐड नहीं किया है। थोड़े से मेथी के दाने और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। जब मेथी हल्की सी भुन गई तो मैंने ये हरा धनिया वाला मसाला डाल दिया और इसको चला देते हैं। अगर कच्चे मटर का आप निमोना बना रही हूँ तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि मटर को काफ़ी भूनना पड़ता है उसका कच्चापन ख़त्म होने के लिए। और यहाँ पे मटर पके हुए हैं तो ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। और ये अब मेरा मसाला भुन चुका है, मैंने पिसी हुई मटर भी इसमें डाल दी है। मटर को बराबर चलाते हुए 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको भून लेना है। और जितना थोड़ा सा मटर अच्छी भुनेगी उतना ही अच्छा सौंधा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और ये देखिए, मटर लगभग काफ़ी भुन चुकी है और थोड़ी सी सूख भी चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, मटर अच्छे से भुन गई है और इसमें भुने हुए आलू डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें पानी लगा दूंगी। पानी आप अपनी तरह से लगाएं, अगर आपको गाढ़ा पसंद है थोड़ा सा इसकी ग्रेवी तो गाढ़ी रखें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाऊँगी क्योंकि चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है निमोना। तो देखिए, जार में जो निमोना बचा था उसमें पानी डाल करके थोड़ा सा मैंने वो भी निकाल लिया है और इसको चला दिया। चलाने के बाद जितना मुझे पानी की आवश्यकता लगी, मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 गिलास पानी डाला है। और ये देखिए, मैंने
आधा और डाल दिया, आधा आधा करके मैंने तीन बार पानी डाला है, तो टोटल डेढ़ गिलास पानी हो गया है। और चलाने के बाद इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद एक बॉयल आने तक मैं इसको वेट करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं। और ये देखिए बॉयल आ चुका है, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। और ये देखिए निमोना बढ़िया स्वादिष्ट बन करके तैयार हो गया है। इस निमोने को आप रोटी, पराठे, चावल, जिस किसी के साथ भी खाना चाहें, हर तरह से अच्छा लगता है। तो कैसी लगी रेसिपी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।